हम इस कदम इस अपने कार्यक्रम में उत्तरोत्तर प्रगति रहे। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने आवास दिवस के इस पवित्र मौके पर हम सबके मध्य विराजमान मंत्रालय की राज्य मंत्री माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, सचिव आदरणीय सिन्हा साहब, आदरणीय अलका उपाध्याय जी, गया प्रसाद जी, राज्यों में इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए उपस्थित राज्य सरकारों के माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण और उपस्थित महानुभाव, आज ही के दिन 2016 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ हुआ था। आज फिर 20 नवंबर है और इसलिए इस दिन को हम आवास दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आवास दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का त्यौहार बीता है और आने वाले कल में नया वर्ष आने वाला है। नया वर्ष भी आप सबको बहुत शुभ हो, आपके प्रयत्न सफल हो, आपकी अगुवाई, आपकी सूझबूझ से राज्य में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नए नए आयाम प्राप्त हों, ऐसी मैं इस अवसर पर ईश्वर से कामना करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार का यह भारद कार्यक्रम है। राज्यों के साथ मिलकर इसको मूर्त रूप देने का एक सफलतम प्रयत्न विगत दिनों किया गया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी राज्यों ने योगदान देकर इस योजना के अंतर्गत 1,20,00,000 आवास निर्माण करके और गरीब लोगों को छत प्रदान करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं सभी राज्यों की हृदय पूर्वक बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं, सराहना करना चाहता हूं। हम सब बात को भलीभांति जानते हैं कि हर व्यक्ति के मन में एक मुराद रहती है, चाहे वो व्यक्ति बहुत संपन्न हो और चाहे विपन्न हो, वो अपने ही घर में रहे इस कल्पना को मूर्त रूप देना ही चाहता है। संपन्न लोगों के सामने अनेक विकल्प रहते हैं लेकिन विपन्न लोगों के सामने परेशानी होना स्वाभाविक है और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी की कार्य पद्धति के अनुसार उन्होंने न सिर्फ योजना प्रारंभ की, योजना का लक्ष्य भी तय किया कि 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जिस भारतीय के पास छत नहीं है अपने स्वामित्व की, तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अपना घर देने का काम किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि मौलिक आवश्यकताओं का काफी अभाव था और जब तक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता पूर्ण नहीं होगी तब तक व्यक्ति से बहुत ज्यादा अपेक्षा करना यह संभव भी नहीं है और इसलिए गांव में सड़क पहुंचे, गांव में पीने का स्वच्छ पानी मिले,
व्यक्ति को रहने के लिए घर मिले, रोशनी के लिए बिजली मिले, रसोई गैस मिले, गंदगी से मुक्त रहने के लिए शौचालय की व्यवस्था हो, ऐसे तमाम सारे आयामों पर पूरे देश में एक अभियान के रूप में काम किया और उसकी निश्चित रूप से सफलता भी आज हम सब लोगों को परिलक्षित होती है। मुझे ध्यान है कि मैं पिछले कार्यकाल में पेयजल स्वच्छता मंत्रालय में काम कर रहा था, उस समय WHO की एक रिपोर्ट आई थी कि गंदगी के कारण हिंदुस्तान में 7 लाख बच्चे प्रतिवर्ष डायरिया से मर जाते हैं और इस स्वच्छ भारत अभियान जो सभी राज्यों ने मिलकर सफलता के सोपान तक पहुंचाया, आज इस मृत्यु दर को हम बड़ी मात्रा में कम करने में सफल हुए हैं, इसमें भी मैं राज्यों के योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। यह वर्ष निश्चित रूप से हमारे लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए कष्टकारक है। कोविड का संकट आया, आम जो दिनचर्या थी वह भी प्रभावित हुई, हमारे आर्थिक स्रोत भी प्रभावित हुए और उसके कारण निश्चित रूप से जो विकास की गति है उस पर प्रभाव भी आने वाला ही था और इसलिए कई राज्यों ने कि जो प्रगति कम दिखाई दे रही है उसमें एक कारण यह भी है कि राज्यों के द्वारा जो मैचिंग ग्रांट मिलाना चाहिए वो मिलाने में राज्य सफल नहीं हो पा रहे। कई राज्यों में और अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं जिसके कारण वहां की प्रगति आवास योजना में थोड़ी सी बाधित हो रही है। जैसा कि सचिव महोदय ने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन आप सबके सामने किया और उसमें हर राज्य की स्थिति को चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है, इसके पीछे मूल उद्देश्य यही है कि कुल मिलाके वर्तमान परिवेश में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपदा का समय है, इस आपदा के समय को हम अवसर में कैसे बदलें इस पर सोचने और काम करने की आवश्यकता है। समस्याएं आती हैं लेकिन समस्याओं पर विजय प्राप्त करने का जब हमारा प्रयत्न रहता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्रीगणों का बल जब आवास योजना के क्रियान्वयन पर रहेगा, निरंतर मॉनिटरिंग रहेगी, नीचे तक उनकी नजर रहेगी, सभी अधिकारी टीम वर्क के रूप में काम करेंगे और जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कठोरता से आग्रह करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, तो मुझे पूरी आशा है कि निश्चित रूप से समस्याओं से हम उभरेंगे और सब राज्य इस योजना को और सफलता प्रदान करने में सफल होंगे, ऐसी मैं इस अवसर पर कामना करना चाहता हूं। आवास प्लस की भी बात आई है, सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया है, आवास प्लस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आवास प्लस का विषय भी आता है और साथ साथ ये विषय भी आता है कि इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे बचे हैं जो पात्र हैं। इस मामले में जरूर मैं अधिकारी गणों को भी अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय मंत्री गणों को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है कि ये सूची केंद्र सरकार ने बनाई है। यह जो सूची है यह राज्य और राज्य के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा ने ही इसको अंतिम रूप दिया है। जब शुरुआती दौर में ACC सर्वे के अनुसार कच्चे घर वालों की सूची जनरेट की गई थी तो लगभग ये
4,04,00,000 होती थी। बाद में ये ग्राम पंचायतों में गई, ग्राम सभाओं की बैठकें हुई, राज्य सरकार के सभी अधिकारियों ने प्रयत्न किए और उसके परिणाम स्वरूप ये 2,95,00,000 की बची। बाकी लोगों के नाम इसलिए कटे क्योंकि वो पात्र नहीं थे। उसके बाद फिर ये बात सामने आती रही कि बहुत सारे पात्र लोग बच गए हैं और इसलिए एक बार पूरा लगभग 10 महीने का समय 3-4 बार डेट बढ़ाकर दिया गया कि आवास प्लस में ठीक ठाक नाम आ जाएं, लेकिन उसमें भी संख्या बहुत आई, लेकिन जब सत्यापन हुआ तो कुछ और ही आंकड़ा निकला। ठीक है, मैं आप सब लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कुल मिला के जब ये प्रक्रिया होती है, अगर उस समय सब लोग ध्यान दे लें तो मैं समझता हूं सही आंकड़ा केंद्र के पास रहेगा, तो योजना और उसके लिए फंड्स के उपलब्धता, कैबिनेट का निर्णय कराना हम सबके लिए निश्चित रूप से आसान रहेगा। एक जानकारी मैं आप सबको इस अवसर पर और देना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक चाहे तो ये प्रधानमंत्री आवास हुए और चाहे व्यक्तियों का अपना आवास हुए, चाहे उनके अपने खेत में बना हो, चाहे आबादी की भूमि में बना हो, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास बने हुए हैं उन आवासों के स्वामित्व का कोई भी कागज हिंदुस्तान भर में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। मालिकाना हक नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की जो संपत्ति है वो एक तौर से रहने के लिए तो उपयोग आती है, लेकिन वह मूल्यहीन थी, कहीं भी उसके मूल्य का आकलन नहीं हो पाता था। इसलिए पंचायत मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व नाम की स्कीम 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आरंभ हुई। ये 6 राज्यों में अभी पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 1,00,000 से अधिक हितग्राहियों को ये मालिकाना हक प्राप्त हो चुका है और ये पूरे देश भर में होने वाला है। चूंकि हम सब ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, हम सबका वास्ता ग्राम पंचायत से है, ग्राम सभा से है, तो आप सबकी जानकारी में यह योजना भी रहनी चाहिए क्योंकि आने वाले कल में ये पूरे देश भर में होगी और इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले वे लोग जिनकी अपनी संपत्ति है उनको मालिकाना हक मिलेगा, उनकी जो मिल्कियत है उसकी कीमत बढ़ेगी, वो बैंक इत्यादि से जैसे शहरी प्रॉपर्टी के गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है अपना कामकाज बढ़ाने के लिए, वो सुविधा भी इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की संपत्ति में मिलेगी। ये एक जानकारी इस आवास दिवस के अवसर पर मैं आप सबके मध्य देना चाहता था। आप सब लोग इस अवसर पर जुड़े, आपके बहुत सारे मूल्यवान सुझाव भी प्राप्त हुए, कुछ विषय भी जो हमारे लिए करनी है वो भी आप सब लोगों ने उठाए। यहाँ सचिव महोदय और हमारे सभी मंत्रालय के अधिकारीगण उपस्थित हैं, सबने आपके पॉइंट्स को नोट किया है और जो केंद्र सरकार के लिए करनी है जल्दी से जल्दी हम उसमें निर्णय करके आपकी तरफ भेजेंगे और जो आपके इस योजना को और सफल बनाने की दृष्टि से सुझाव हैं उन पर भी मंत्रालय विचार करेगा। मैं आवास दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को और आप सब के साथ काम करने वाले ग्रामीण विकास के पूरे अमले और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सर कार्यक्रम के